गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं रेडी हो गई हूँ और आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक अमेजिंग सी वीडियो। और मैं कराने जा रही हूँ अपना मेकअप। है हमारे यहाँ का जो मेकअप आर्टिस्ट है वो कैसा मेकअप करती हैं, और सारी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने रेडी हो गई हूँ, मैं शर्ट और पैंट डाल दिया है मैंने ये वाला। तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं कि आज मेरा मेकअप कैसा होने वाला है। आई होप कि वीडियो इंटरेस्टिंग होगा और अच्छा लगे तो लाइक करना। चलिए मिलते हैं पार्लर में। सो गाइस मैं पार्लर में यहाँ पे आ गई हूँ, और एक दिन पहले मैंने यहाँ पे बोला था कि मुझे ब्राइडल मेकअप कराना है, मेरी फ्रेंड की शादी है। तो इन्होंने बोला हाँ बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, तो चलिए देखते हैं आज इनका मेकअप कैसा होता है। और मैं खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं खुद ही मेकअप अच्छे से कर लेती हूँ। तो मैं पार्लर में मेकअप कराने के लिए कभी भी नहीं गई हूँ, चाहे कितना भी बड़ा कोई फंक्शन रहा हो। तो लेकिन ये वीडियो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने की इसलिए मैं आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकअप। और ये यहाँ पे मुझे जो अयूर का मेकअप रिमूवर होता है ना, उससे मेरा मेकअप रिमूव करने वाली है। और इनके जो कॉटन थे ना, उस कॉटन में इतने ज्यादा बाल थे, मैंने बोला आपके कॉटन में बहुत ज्यादा बाल है, आप पहले इसको क्लीन करिए। तो ये यहाँ पे बाल को भी निकाल रही है गाइस। उसके बाद ये इन्होंने इतना ज्यादा जो मेकअप रिमूवर होता है, इतना ज्यादा निकाल लिया कि सारा मेकअप रिमूवर ना मेरे आईज में जाके घुस गया, और मेरे आंखों में अभी तक जलन हो रही है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको कि कैसे पूरा जितना भी मेकअप रिमूवर था ना, सब मेरे आंख में घुस गया, क्योंकि अयूर का मेकअप रिमूवर था जो कि लिक्विड रिमूवर था। मैंने बोला यार कोई मॉइस्चराइजर वगैरह नहीं है, तो इन्होंने बोला नहीं हम इसी से क्लीन करते हैं। तो मैंने कहा चलो ओके। मेरे आंख में इतनी ज्यादा मॉइस्चराइजर वो घुस चुका था ना मेकअप रिमूवर, कि मेरे आंखों में जलन होने लग गया था, मेरी आईज भी ओपन नहीं हो रही थी। तो सबसे पहले मैंने बोला मेरी आईज को क्लीन करो, बहुत ज्यादा आंखों में जलन हो रही थी मेरे। तो बहुत ज्यादा जलन हो गई मेरी आंखों में, मैं आईज को भी अपने ओपन नहीं कर पा रही थी। तो ये इन्होंने फटाक से जो है ना टिश्यू पेपर लेकर आई, और उसके बाद मैंने अपने आईज को क्लीन किया। और बीच में जो मेकअप इन्होंने किया था वो वीडियो मुझसे शूट नहीं हो पाया है, अब बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि ये बार बार बोल रहे थे कि कैमरा 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 आप। मैंने इनको बोला कि एक्चुअली मैं अपने याद के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है ना, बहुत सारे लोग कैमरा में नहीं आना चाहते हैं, तो वही सारी प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने बोला कि मुझे प्लीज मत लेना। मैंने कहा मैं अपने वेडिंग में जा रही हूँ, तो एक यादगार के लिए इस मेकअप को शूट कर रही हूँ, इस पूरा वीडियो को शूट कर रही हूँ। तो बहुत मुश्किल था कन्विंस करना इनको, तो मैंने फाइनली यहाँ पे कन्विंस कर दिया। मुझे लगता है कि जब तक मेरा मेकअप होगा और काफी लेट हो जाएगा। तो इन्होंने लिया है दोबारा एक कॉटन, और उसके बाद मेरे फेस पे घिस घिस के मेरी लिपस्टिक छुड़ा रही है। हालांकि आज मैंने मेकअप बिल्कुल भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉम्पैक्ट और बिंदी और मस्करा ही लगाया था। मुझे पता था कि मेकअप रिमूव कराना है, तो इसलिए मैं मेकअप बिल्कुल भी करके नहीं आई थी। हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी, उसको भी घिस घिस के दीदी हमारी छुड़ा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आज मेरे फेस का पूरा बैंड बजने वाला है, और मेरी आईज तो आज जाते जाते बच गई। बहुत प्रॉब्लम हो गई थी मेरी आईज में, अभी तक जलन हो रही, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें लिक्विड होता है, वो ग्लिसिन वगैरह होती है ना, तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मेरी आईज में। तो दीदी हमारी पूरे मेरे फेस पे ना जंग लड़ रही है कि कैसे भी करके मेरा मेकअप छुड़ाया जाए, जो कि मेरे फेस पे बिल्कुल भी मेकअप नहीं था गाइस। तो चलो दीदी को छुड़ाने देते हैं मेकअप। तो दीदी का फेस हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, जैसा कि दीदी ने मना किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आइडिया भी लग चुका है, बहुत सारे लोग यूट्यूब भी देखते हैं, तो बहुत सारे लोगों को आइडिया भी लग गया है कि कहीं किसी के पार्लर की वो ना हो। तो यहाँ पे तो ऐसे कोई बात नहीं है, बस ये एक जस्ट लाइक फन ही है समझ लीजिए। तो मैंने सोचा कि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी इस वीडियो को शूट करने के लिए, बट फाइनली आज मुझे टाइम मिल ही गया कि मैं आज आप लोगों के साथ ये वाली वीडियो शेयर कर पा रही हूँ। इसके बाद की वीडियो क्लिप मुझसे डिलीट हो गई, और इन्होंने एक रेड कलर का मेरी जो ब्लाउज है ना, उसी से अकॉर्डिंग रेड कलर का आईज के ऊपर भी और नीचे भी खूब सारा आई शेडो पोत दिया, और उसके बाद जो सूखा आईलाइनर होता है ना ब्रश से, वो एक अच्छा खासा ड्रॉ कर दिया। और इन्होंने मेरे आईब्रो का कितना बढ़िया शेप दिया है गाइस, पूरे लाइन
का सेव नहीं किया था और आज फाइनली जो है ना मेरा इतना बढ़िया आईब्रो का सेव हो गया। और ये यहाँ पे लगा रही है मुझे ब्लशर, और ये मुझे ब्लशर कम लग रहा है और कोई डार्क कलर का कलर होता है ना कुछ वैसा ही लग रहा है कि इन्होंने मेरे माथे पे भी पोत दिया। तो मैं यही बोल रही थी कि दीदी माथे पे कौन लगाता है ब्लशर, तो बोली नहीं मैं लगाती हूँ। मैंने कहा अब मेरे नाक पे भी इन्होंने इतना ब्लशर पोत दिया कि मेरे जो नोज है ना वो भी अलग से दिखने लग गई। और आप मेरे हेड पे भी देख सकते हैं कि इन्होंने बस एक जगह पे रेड कलर का ब्लशर लगा के रख दिया। तो मैं जब इनसे कल पूछ रही थी तो इन्होंने बोला हाँ बहुत अच्छा मेकअप होता है। और ये मेरा मेकअप गाइस आप लोगों के सामने ही है, देख सकते हैं। और शूट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, मैंने बोला एक अच्छा मेकअप कराना है, लेकिन वही है ना एक्चुअली ये यहाँ के स्टाफ है तो इनको जैसा मेकअप आता है इन्होंने कर दिया। और ये एक विलेज भी है, यहाँ पे कोई अच्छा पार्लर वैसे है नहीं, तो जो मुझे मिला मैंने फाइनली यहीं पे करा लिया है अपना मेकअप। मैंने सोचा कि चलो अपने फ्रेंड के शादी में मैं इतना बेस्ट वाला मेकअप करके जाने वाली हूँ, शायद मेरी फ्रेंड भी स्टेज छोड़ के भाग जाए अगर वो गए। सच्ची बताऊँ जब मैं निकली ना मेरा मेकअप कंप्लीट हुआ मैं खुद को देख के डर गई कि मैंने आज से पहले इतना अच्छा मेकअप क्यों नहीं किया। और चलो अच्छा मेकअप है तो निशु बेचारा मेरे को एकदम से देख के ना डर गया, तो मैं मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा मम्मी तुम कैसी लग रही हो। वो कुछ देर के लिए रोने भी लग गया था, बोला अभी मुंह धो अभी मुंह धो। मैंने कहा नहीं, उसको जैसे तैसे मैंने समझाया कि नहीं बेटा अभी घर चल रहे हैं, तो वो मुझे ना बाहर ऐसे जाने ही नहीं दे रहा था। उसने बोला मम्मी मुंह छुपा के चलो, तो मैंने मुंह छुपा लिया। तो वैसे भी मैं आपको बता दूं इन्होंने बस हल्का सा प्राइमर ही यूज किया था, उसके बाद एक रूई में लेके पता नहीं कौन सा क्रीम लगा दिया, कोई फाउंडेशन कोई कंसीलर कुछ भी ऐसा लगाया ही नहीं था कि मैं उसको सूट करूं। तो बस इन्होंने हल्का सा प्राइमर लगाया, उसके बाद कॉटन में लेके एक कलर टाइप का जो होता है ना ट्रे में उसको लगा दिया, और उसके बाद क्या किया इन्होंने आई शेडो लगा दिया और आई लाइनर लगा दिया। तो इसलिए भी और वीडियो शूट नहीं हो पाई, इसलिए भी मुझे थोड़ा सा दुख भी है। तो ये रहा। और हेयर स्टाइल तो मेरी माशाल्लाह क्या मतलब हेयर स्टाइल का कोई जवाब ही नहीं है, इससे पहले भी मैंने इतना बढ़िया हेयर स्टाइल गाइस कभी नहीं देखा था। तो बहुत अच्छा मेरा हेयर स्टाइल था, और इन्होंने एक तिरछा पफ निकाल के एक पिन लगा दिया, और उसके बाद मेरे बाल को उठा के ऊपर से मेरा ही रबड़ लगा के, और बस फिर मुझे खुला खुला अच्छा नहीं लग रहा था तो फिर मैंने जूरा बना लिया। तो हो गया मेरा मेकअप, बेस्ट वाला मेकअप है गाइस। और वीडियो कैसा लगा, और इस तरीके का वीडियो बनाना है थोड़ा सा डेयरिंग का भी काम है, मैंने फाइनली आज ये भी काम कर ही लिया अपनी जिंदगी में, तो देख सकते हैं। और एब्रो की तो मैं क्या ही बोलूँ, मैंने बहुत सारी आंटियों से रिएक्शन भी पूछा, उनका रिएक्शन भी नोट करना चाहा, और उनका रिएक्शन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और उन सभी ने बोला कि अच्छा है, लेकिन अंदर से वो लोग हंस रही थी, मुझे पता है उन्होंने ऐसी भूतनी चुड़ैल कभी देखी नहीं होगी, आज तो दिन में ही चुड़ैल निकल पड़ी थी। भूत कह सकते हैं चुड़ैल कह सकते हैं, एक तो मैं इतनी ज्यादा गोरी हूँ और ऊपर से मेरा इस तरीके का मेकअप, हाय राम मैं क्या ही बोलूँ आपको गाइस। मुझे खुद को बहुत हंसी आ रही थी कि बहुत अच्छा मेकअप था गाइस, और आप लोग मुझे जरूर बताना कि मेरा आज का मेकअप कैसा था। तो गलती से मेरा कैमरा ऊपर हो गया, तो मेरा मेकअप कैसा कोई बात नहीं, तो बताना गाइस। और चलिए अब नोट करते हैं पब्लिक का रिएक्शन, तो देखते हैं पब्लिक का रिएक्शन कैसा होता है। सब अच्छा बोल रहे हैं, साइड से चल रहे थे साइड से। अबे मैं ही नहीं चल पा रही तो तू कहाँ से चलेगा। सो गाइस मेरा मेकअप हो गया है, लोगों का रिएक्शन बहुत ही गंदा वाला है, और इसलिए मैं मुंह छुपा के जा रही हूँ, हर कोई अच्छा बोल रहा है लेकिन आई डोंट लाइक दिस मेकअप। और चलो मैं फटाफट घर जाती हूँ, और कई सारे लोगों से मैंने रिएक्शन पूछा है, और ये मेकअप अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं गाइस तो सब्सक्राइब करना, और इसके बाद मैं इससे भी अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। और अभी मैं फटाफट घर भाग के जा रही हूँ, तो मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल गाइस। ये है मेरा ब्राइडल मेकअप लुक, मैंने अपने पूरी जिंदगी में इतना घटिया मेकअप नहीं किया है। आई होप मैं लहंगा भी लेके गई थी, मैंने बोला था कि मुझे शादी में जाना है, मैं पूरा मुंह छुपा कर आई हूँ। ओह माय गॉड पूरा रेड रेड।
शूट करने वाली हूँ गाइस।